नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज की श्रृंखला में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि पर, पूर्व की श्रृंखला में हमने जाना व्यंजन संधि के अंतर्गत इच्छुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, पदांत जसत्व संधि और अपदांत जसत्व संधि। उसी क्रम में को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अनुनासिक संधि पर, यानी अनुनासिक संधि जो है वह कैसे होती है और उस अनुनासिक संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह कौन है, यरो अनुनासिक अनुनासिको हुआ। यानी अर्थात यदि जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंत में क्या होगा, यर और ह को छोड़कर कोई व्यंजन हो, यानी यर प्रत्याहार और ह को छोड़कर यदि कोई व्यंजन हो तो, और उत्तर पद के आदि में अनुनासिक वर्ण को पंचम वर्ण यानी क ख ग अङ च छ ज झ ञ अण न म, यानी ये जो अनुनासिक जो वर्ण हैं ये वर्ण हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यर का जो विकल्प है यानी जो पंचम वर्ण वहाँ हो जाता है। यानी विकल्प पक्ष में जहाँ पंचम वर्ण वहाँ नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा, जसत्व संधि के अनुसार अपने ही जो वर्ग है उस अपने ही वर्ग का वहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। र और ह को छोड़कर यदि कोई व्यंजन हो तो उत्तर पद जो है क्या हो जाएगा, अनुनासिक से शुरू हो, यानी और पूर्व पद क्या हो, र और ह को छोड़कर के और उत्तर पद जो है अनुनासिक से शुरू हो तो उस पूर्व जो वर्ण है उस पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, वहां पंचम हो जाएगा। जैसे क को क्या हुआ, अंगो, च को यों, ट ण, त को न और प को मो, यानी अपने ही वर्ण का अनुनासिक वर्ण वहां हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसे समझेंगे तब हम लोगों को आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी। जैसे शब्द क्या है, एतन मुरारी, तो एतन मुरारी शब्द को हम जब संधि करी तो संधि करने के बाद क्या हुआ, एतत धन मुरारी। तो एतत धन मुरारी जब हुआ तो त वर्ग क्या है, त वर्ग का क्या हो जाएगा, त को न हो जाएगा, तो शब्द संधि क्या हुई, एतन मुरारी। तो शब्द क्या बना, एतन मुरारी, एतन धन मुरारी। तो ऐसे ही शब्द है तनमात्रम, तो तनमात्रम में आपने देखा संधि हमने करी क्या बना, तत्धन मात्रम। तो तत्धन मात्रम तकार है, तकार क्या हो जाएगा, नकार, तो शब्द क्या बना, तन धन मात्रम तन मात्रम। ऐसी शब्द है चिन्मयम, चित्त धन मयम। अब तो को क्या हुआ, नौ, तो क्या शब्द क्या बना, चिन्ह धन मयम चिन्मयम। ऐसी दिग्नाथ यानी दिक् धन नाथ, तो ककार है को क को क्या हो जाएगा, उसका अनुनासिक क्या हुआ, अंगो, तो शब्द क्या बना, दिंग धन नागह, दिग् नागह। ऐसी सनमति शब्द है सत धन मति, तो सतमति में जो तकार है तकार क्या हुआ, नौ, तो शब्द बना सन धन मति सनमति। ऐसी वांग्मयम, वांग्मय शब्द है तो वांग्मय शब्द को हमने संधि किया तो वाक धन मयम, तो क को क्या हो जाएगा, अंगो, यानी अपने ही वर्ण का पंचम वर्ण यहाँ आपने देखा हुआ तो शब्द क्या बना, वांग धन मयम वांग्मयम। ऐसी जगन्नाथ शब्द है जगत धन नाथ, तो तकार है तो त को क्या हुआ, नौ, तो शब्द क्या बन गया, जगत धन नाथ, क्या बना, जगन नाथ। यानी जो अनुनासिक संधि है उस अनुनासिक संधि में जो है क्या होगा, यदि जो पूर्व पद आपने क्या देखा कि हमें पूर्व पद के अंत में यर और ह को छोड़ करके जो है कोई भी व्यंजन जहाँ होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, पद का जो अनुनासिक वर्ण वहाँ यानी पंचम वर्ण वहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनुनासिक संधि को जाना। इसी क्रम में अगली जो संधि है वह है लत्व संधि। यानी लत्व संधि क्या है और लत्व संधि कौन सा सूत्र करता है, तो वह सूत्र है तोरली। अर्थात तोरली क्या करेगा, यदि जो पूर्व पद के अंत में तवर्ग हो, तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, त थ द ध न, यानी पूर्व पद के अंत में तवर्ग हो और उत्तर पद के आदि में यदि ल हो, तो ध्यान से देखेगा यदि पूर्व पद में तवर्ग हो और उत्तर पद में ल हो तो उस पूर्व पद जो पूर्व पद यानी त थ द ध न,
उस त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। हाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है, यदि न हो तो, यदि न हो तो क्या हो जाएगा, नस्यानुनासिको लह, यह सूत्र है। यानी जो अनुस्वार होगा उस अनुस्वार को भी क्या हो जाता है, ल का प्रयोग हो जाता है। जैसे अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, तो उदाहरण पहला उदाहरण देखिए, तल्लय शब्द क्या है, तल्लय, तो शब्द हमने संधि जब करी तो संधि करके क्या हुआ, तत् धन लय, तो तत् में आपने त देखा तो हमने कहा कि क्या हो जाएगा, वहां तकार को लकार हो जाता है, तवर्ग को, तवर्ग को क्या हो जाता है, ल हो जाता है, यानी तत् धन लय, तो त को क्या हुआ, ल, तो शब्द क्या बना, तल धन लय, तल लय। इसी प्रकार विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, हमने संधि करी विद्वान धन लिखति, अब आपने क्या आया, न आया, तो न को हमने क्या कहा, न को भी हमने बोला कि यदि न हो तो वहां पर नस्यानुनासिको लह, यह जो सूत्र है इस सूत्र से अनुस्वार यानी ल को भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो हम यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं, विद्वान ल के ऊपर देखिए अनुस्वार आ गया, विद्वान लिखति ही, विद्वान लिखति ही, ऐसी कुसान लाती, तो कुसान धन लाती, फिर वो आप देखिए उस नकार को क्या हुआ, उसको भी क्या हो गया, अनुस्वार हुआ, तो कुसान लाती शब्द बन गया। ऐसी महत लक्षम शब्द है, उस महत धन लक्षम, संधि क्या हुई, महत धन लक्षम, तो जब हमने देखा जो तवर्ग को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो शब्द क्या बना, महल धन लक्षम, महल लक्षम। ऐसी चिल्लीन शब्द है एक, चित धन लीन, संधि जब हमने करी तो क्या बना, चित धन लीन, यानी उस चित धन लीन, यानी जो तकार है उस तकार में क्या हुआ, ल हो गया, तो शब्द क्या बना, चिल धन लीन, तो ऐसी क्या है, महान लाभ, शब्द क्या है, महान लाभ, तो हमने जब संधि करी उसमें तो शब्द क्या बना, महान धन लाभ। अब मैंने कहा कि जो न है, यदि न आएगा तो, न आएगा तो उस न को भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है, ल को भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो महान लाभ, महान लाभ, महान लाभ। इस प्रकार से जो है लत्व संधि को हमने जाना, इसी क्रम में हम व्यंजन संधि के अन्य भेदों को अगली श्रृंखला में जानेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।